दोस्तों हम बात करेंगे टीम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की, जो कि खेला जा रहा है न्यूजीलैंड के शहर माउंट मैग्नोई के बे ओवल स्टेडियम में। दोस्तों आपको बताते चले कि जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो टीम न्यूजीलैंड का स्कोर 179 था और उनके 4 खिलाड़ी आउट थे, जबकि टीम न्यूजीलैंड की लीड हो गई थी 528 रनों की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने 179 के स्कोर पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। इस तरह टीम साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 529 रनों का टारगेट मिला। दोस्तों 529 रनों का पीछा कर रहे टीम साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग के लिए आए एडवर्ड मोरे और कप्तान नील ब्रैंड। दोस्तों टीम साउथ अफ्रीका की पहली विकेट कप्तान नील ब्रैंड की गिरी। कप्तान नील ब्रैंड टीम साउदी की बॉल पर बोल्ड हो गए। नील ब्रैंड ने 3 रन बनाए 8 बालों पर। दोस्तों 5 के स्कोर पर टीम साउथ अफ्रीका की दूसरी विकेट एडवर्ड मोरे की गिरी। एडवर्ड मोरे मैट हेनरी की बॉल पर कवर पर मौजूद फील्डर डेविन कॉनवे के हाथों कैच आउट हो गए। एडवर्ड मोरे गोल्डन डक पर आउट हो गए। दोस्तों 5 के स्कोर पर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद जुबैर हमजा और वैन टोंडर ने टीम साउथ अफ्रीका के लिए 63 रनों की साझेदारी लगाई 163 बालों पर। दोस्तों 68 के स्कोर पर टीम साउथ अफ्रीका की तीसरी विकेट वैन टोंडर की गिरी। वैन टोंडर जेमिसन की बॉल पर फर्स्ट स्लिप पर मौजूद टॉम लेदम के हाथों कैच आउट हो गए। वैन टोंडर ने 31 रन बनाए 83 बालों पर। वैन टोंडर ने 2 चौके भी लगाए। दोस्तों 73 के स्कोर पर चौथी विकेट जुबैर हमजा की गिरी। जुबैर हमजा काइल जेमिसन की बॉल पर मिडॉन पर मौजूद फील्डर टिम साउदी के हाथों कैच आउट हो गए। जुबैर हमजा ने 36 रन बनाए 92 बालों पर। जुबैर हमजा ने 4 चौके भी लगाए। दोस्तों 73 के स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद केडी पीटरसन और डेविड बेडिंगम ने टीम साउथ अफ्रीका के लिए 105 रनों की बड़ी साझेदारी लगाई और टीम साउथ अफ्रीका का स्कोर 178 पर पहुंचा दिया। दोस्तों 178 के स्कोर पर 5वीं विकेट डेविड बेडिंगम की गिरी। डेविड बेडिंगम काइल जेमिसन की बॉल पर डीप मिड विकेट पर मौजूद फील्डर मिचेल सैंडर के हाथों कैच आउट हो गए। डेविड बेडिंगम ने 87 रन स्कोर किए 96 बालों पर। उन्होंने 13 चौके और 3 छक्के भी लगाए। दोस्तों 181 के स्कोर पर 6वीं विकेट कीगन पीटरसन की गिरी। कीगन पीटरसन काइल जेमिसन की बॉल पर फाइन लेग पर मौजूद फील्डर रचिन रविंद्रा के हाथों कैच आउट हो गए। कीगन पीटरसन ने 16 रन बनाए 63 बालों पर। दोस्तों 199 के स्कोर पर 7वीं विकेट फोर्टुइन की गिरी। फोर्टुइन ग्लेन फिलिप्स की बॉल पर टॉम ब्लंडल के हाथों कैच आउट हो गए। फोर्टुइन ने 11 रन बनाए 19 बालों पर। फोर्टुइन ने 2 चौके भी लगाए। दोस्तों 208 के स्कोर पर 8वीं विकेट ओलिवर की गिरी। ओलिवर मिचेल सैंडनर की बॉल पर फर्स्ट स्लिप पर मौजूद डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट हो गए। ओलिवर ने 1 रन बनाया 9 बालों पर। दोस्तों 223 के स्कोर पर 9वीं विकेट मोरिकी की गिरी। मोरिकी मिचेल सैंडनर की बॉल पर LBW हो गए। मोरिकी ने 6 रन बनाए 31 बालों पर। दोस्तों 247 के स्कोर पर आखिरी विकेट डैन पीटरसन की गिरी। डैन पीटरसन मिचेल सैंडनर की बॉल पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मौजूद फील्डर केन विलियमसन के हाथों कैच आउट हो गए। डैन पीटरसन ने 15 रन बनाए 17 बालों पर। डैन पीटरसन ने 3 चौके भी लगाए। इस तरह टीम न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच 281 रनों से जीत लिया। दोस्तों फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें तो टीम साउथ अफ्रीका की पहली विकेट नील ब्रैंड की 3 के स्कोर पर गिरी, जबकि दूसरी विकेट एडवर्ड मोरे के 5 रन पे गिरी और तीसरी विकेट 68 के स्कोर पर वैन टोंडर की गिरी। 73 के स्कोर पर 4वीं विकेट जुबैर हमजा की गिरी। 178 के स्कोर पर 5वीं विकेट डेविड बेडिंगम की गिरी। 181 के स्कोर पर 6वीं विकेट कीगन पीटरसन की गिरी। 199 के स्कोर पर 7वीं विकेट फोर्टुइन की गिरी। 208 के स्कोर पर 8वीं विकेट ओलिवर की गिरी। 223 के स्कोर पर 9वीं विकेट मोरिकी की गिरी, जबकि 247 के स्कोर पर आखिरी विकेट डैन पीटरसन की गिरी। दोस्तों जबकि टीम न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की बात करें तो काइल जेमिसन ने 17 ओवर में 58 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, जबकि मिचेल सैंडनर ने 26 ओवर्स में 59 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। दोस्तों मैन ऑफ द मैच रहे रचिन रविंद्रा ने पहली इनिंग में 240 रन स्कोर किए थे, जबकि उन्होंने 16 रन देके 2 विकेटें भी ली थी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।